ग्राम पंचायत अधिकारी अनीश कनौजिया के शेष बचे हत्यारों की गिरफ्तारी तथा पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर कनौजिया महासभा ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसके संबंध में कनौजिया महासभा के अध्यक्ष सुनील कुमार आजाद ने कहा कि पिछले 24 जुलाई को गोला थाना क्षेत्र के गोपालपुर चौराहे पर अनीश कनौजिया की निर्मम हत्या कर दी गई तथा एक सप्ताह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी पीड़ित परिवार को प्रशासन द्वारा ना कोई आर्थिक सहायता दी गई और ना ही कोई उचित कार्रवाई की गई, जबकि प्रशासन के अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया था कि उनके परिवार को न्याय दिलाया जाएगा। कनौजिया महासभा के अध्यक्ष सुनील कुमार आजाद ने बताया कि अगर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई तो कनौजिया एवं दलित समाज जन आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। उन्होंने प्रशासन से मांग किया कि अनीश कनौजिया के हत्यारों को रासुका के तहत कार्रवाई की जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कनौजिया महासभा के अध्यक्ष सुनील कुमार आजाद ने कहा, भाई अनीश को न्याय दो, न्याय दो, दोषियों को फांसी हो, फांसी हो, फांसी हो, भाई अनीश को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, भाई अनीश को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अनीश कनौजिया को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। व्यक्तियों द्वारा हत्या कर सौंप होगा श्रीमान जी, काफी दौड़ भाग के बाद मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश सरकार जनता दल सर, सुनील आजाद कनौजिया एडवोकेट प्रदेश अध्यक्ष कनौजिया महासभा उत्तर प्रदेश। आज ज्ञापन गोला उरुआ ब्लॉक में सेक्रेटरी पद पर कार्यरत थे गोला थाना अंतर्गत उनौली के अनीश कनौजिया जी की निर्मम गोपालपुर चौराहे पर हत्या कर दी जाती है। गोरखपुर के आला अधिकारी मौके पर जाते हैं और कहते हैं कि जो है हम अनीश कनौजिया के परिवार के साथ हैं, साथ ही अनीश कनौजिया के परिवार को विशेष अनुकंपा पर नौकरी देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक इन सभी मांगों पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। इसलिए कनौजिया समाज के लोग काफ़ी रोष में हैं, दलित समाज के लोग काफ़ी रोष में हैं, जिससे आज हम लोग अंबेडकर चौक से चल करके जिला अधिकारी कार्यालय पर आकर के ज्ञापन देने का काम किया है। साथ ही हम अपने ज्ञापन में लिख दिए हैं कि अगर इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फिर हम लोग जो है आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।